कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अनूपपुर के विधायक विसाहू लाल सिंह मंत्री बनने के उपरांत पहली बार उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली नगर पहुंचे, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री ने इस दौरान पूर्व की कमलनाथ सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। मंत्री विसाहू लाल सिंह ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नेता नहीं बचा, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस सरकार प्रदेश में स्थापित होने के बाद अपने वचन पत्र में दिए गए वादे को पूरा नहीं कर सकी, जिससे सरकार गिर गई। इन्होंने कहा कि हम विधायकों ने बार बार कमलनाथ को वचन पत्र के मुताबिक काम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब हम सभी मिलकर विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। हमारे मध्य उपस्थित पाली मंडल की ओर से स्वागत करें, राजकुमार अग्रवत्री हैं। कि वास्तव में शहडोल संभाग, चाहे उमरिया जिला हो, चाहे शहडोल जिला हो या अनूपपुर जिला हो, अन्य जिलों के अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सिंचाई की सुविधा न होना। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा मिले और किसानों को जब सुविधा मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा ये जो उमरिया जिला शहडोल संभाग आगे बढ़ेगा। आपके जो चचाई और कंटक थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ 660 मेगावाट स्वीकृत करा दिया है। आपका जो यहाँ जितने प्लांट लगे हैं, मैंने इंदिरा जी को ला के यहाँ पर इनका शुभारम्भ कराया था, बीच में सोनिया जी को ला के इनका शुरुआत किया था ये मंगठार वगैरह में। तो मेरा ये प्रयास है कि यहाँ अच्छे उद्योग खुले। अब जैसे 660 मेगावाट बन खुलेगा तो उसमें काफ़ी लड़कों को रोज़गार मिलेगा। 3-4 प्राइवेट माइंस भी खुल रहे हैं, वहाँ भी हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे घूम रहे हैं उनको कम से कम रोज़गार की उपलब्धता हो और सभी भाई बहनों को आगे बढ़ने का। गौरतलब है कि इस दौरान मंत्री विसाहू लाल सिंह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल के निवास पहुंचे व स्वल्प आहार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडेय, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सोनी, जितेंद्र जगवानी, सरजू अग्रवाल, नपाध्यक्ष उषा कोल सहित अन्य नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।